क्योंकि यार मैं परेशान हो गया हूँ कमेंट पढ़ के कि इंडियन गाइज लाइक उनको तो ऐसा लगता है कि यार कि इंडियन फाइटर्स कान फाइट ऐसा लिखता है कोई. आई डोंट लाइक दैट क्योंकि इज दिस राइट फाइटर्स डोंट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी. दैट्स ऑल फिलीपींस गाइज दे आर लाइक वेरी टफ. जैसे जॉन के लिए मैं यही बोलूँगा कि यार ही इज अ टफ गाय क्योंकि बाद में मुझे लगा ही वॉज नॉट ईजी क्योंकि जो पंच पड़े थे ना उसको मैं समझता क्योंकि राइट हैंड में मेरे बहुत पावर है एंड ही टुक थ्री राइट हैंड एंड मैं बॉक्सिंग में कि यार बंदा नॉकआउट नहीं हुआ यार कैसे आउट इज पॉसिबल. मैंने अपनी लाइफ में लेवल वन के फाइटर देखे हैं जो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के फाइटर बन सकते थे. दे गोना बी लाइक सुपरस्टार जितने भी लेवल 10 या 12 फोकस अगर लड़की के चक्कर में ना ये मैं बार बार बोलता हूँ. अगर ये देखा जाए तो वी आर इंडियंस राइट. हम बचपन से हमने कुछ कहो ना कहो कुछ होता है ऐसे ऐसे मूवीज देख के तो हमारे वो दिमाग में इम्प्लांट हो रहा है कि अच्छा लड़की का बाप कहता है कि भाई ना कि भाई तू गरीब है अमीर बन गया. जब तो अमीर बन गया था देख लड़की की शादी हो गई है एंड देन जिंदगी भर वो दारू पी रहा है ये बंदा पागल हो जाते हैं लोग कि यार साला करूं क्या. मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था मेरे पास कोचेस नहीं थे. पहले हमारा ऐसा था कि ब्रो जस्ट फाइट किल ईच अदर. जो ऐसा था कि हर दिन यू हैव टू गो हार्ड. नाउ मुझे लगता है कि अब मुझे भगवान ने एक मौका दिया है तो अब वो बोल रहा है कि भाई अब तू क्या कर सकता है. अब यह है कि अब मेरे पास सब कुछ है. अब मेरा ये है कि मैं खुद मानता हूँ कि इट्स लाइक अ रिबर्थ कि हाँ भाई अब तू क्या कर सकता है. तो जब मैं उस समय मुझे जॉन्डिस में घर आया मेरे घर वाले ने मुझे ताने मारे कि और कर लड़ाई मेरी आंटी जी ताई लोग पूरे मोहल्ले के. पर जब मैं सुमित खाड़े से आ रहा एंड जो नॉकआउट हुआ मेरा और उस समय में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी शिट और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं जब भी आ रहा हूँ मैं अंदर से शांत नहीं था कभी. आई वॉज नॉट इमोशनली बैलेंस कि क्या हो रहा है. आई वॉज लाइक मैं जा रहा कि मारना है एक बार बंदा हाथ में आ जाए बस. मेरा ये था कि एक बार मेरे पास क्लिंच में आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं. करना चाहता कि नहीं करना तो अगर ये इसलिए नहीं आया कि बारिश हो रही है तू नहीं आया. You can't be a champion. Yes. You can't be an MMA fighter. कि just बारिश हो रही है और तू आया नहीं. हाँ. And वो चीजें मुझे मैं सह नहीं पाता हूँ. मुझे बहुत tolerate, हाँ. कीड़ा लगता है. मैंने कहा भाई बाहर निकल तू. You can't be in this room. Hey everyone, welcome to the Live MMA podcast. We've got a really, really special on-location shoot for you guys. We're at Mutant MMA Academy, and we've got one of the best Indian fighters with us today, Angad Bish. Thank you so much for joining us, Angad. Thank you, brother. You've been at the forefront of Indian MMA for a long time, Abhi, and we've all been fans of the UFC. What was that like, walking into the UFC, getting to the road to UFC, making that walk, speaking to the media? Kaisa lag raha tha aapko? Just normal. Was normal? Yes, I mean just. I mean, kyunki mujhe pata tha ki aisa kuch hoga ek din. Then I was like, theek hai. Matlab. Aapka mindset bhi calm tha. I mean, like, kyunki already main. बहुत पहले से मैंने विजुलाइज कर दिया एक साल पहले से जब मैंने ये सोचा था कि ऐसा होगा एंड देन आई वाज लाइक सो आई मीन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नया नहीं था क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक मेरे माइंड में था कि हाँ ऐसा करके फाइट होगी ऐसा करके कुछ होगा या ऑडियंस इवन आई मीन नॉट जस्ट फाइट के बाद भी क्या होगा वो भी मैंने विजुलाइज कर दिया अच्छा ऐसा ऐसा करना. तो पहले जो मेरी फाइट थी लाइक थोड़ा कॉकीनेस रहता था क्योंकि मैं सोचता था कि यू नो फाइट थोड़ा सेल करनी है एंड ऐसा ऐसा कि थोड़ा फेस ऑफ थोड़ा यूनिक होना चाहिए ऐसा एंड देन एक टाइम के बाद मुझे लगा यार सब हवा गिर रही है यू नो इट्स जस्ट इससे कुछ नहीं होने वाला जस्ट फोकस ऑन द परफॉर्मेंस एंड देन एक ब्राज़ील का कोच था माइक मार्टिन उनका कैंप लगा था यहाँ पर MFN का जब MFN में फाइट थी उनका कैंप लगा था तो उस बंदे ने हमें मेडिटेशन कराया था एंड देन मेडिटेशन से मुझे बहुत रिलीफ मिला क्योंकि जो असली बैटल होती है वो अंदर होती है आपको अंदर से जीतना होता है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए क्योंकि सेम फाइट कार्ड में मेरे फाइटर भी खेल रहे थे मैं भी खेल रहा था लाइक आई एम कोच और मुझे मेरे फाइटर भी फाइटिंग हां तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर स्ट्रेसफुल भी है बहुत स्ट्रेसफुल है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि मेरे दोनों फाइटर हार गए एंड देन मेरी बारी थी. तो ऐसा था कि यार मतलब अगर ये दोनों हार गए मैं भी हार गया तो ऐसा हो जाता कि ये सब हार गए. पर लेकिन जैसे उस समय मेडिटेशन ने काफ़ी मुझे बहुत हील किया अंदर से और प्रेशर बहुत कम किया मेरा. अब ये है कि हर फाइट में मैं स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहा हूँ और अंदर से भी ग्रो कर रहा हूँ और मेडिटेशन में भी बहुत सारे लेवल्स हैं जो मैं समझ में रहा हूँ. लाइक एक बार ऐसा हो गया कि ज़्यादा ही भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिटेशन कर दिया और आप बहुत ज़्यादा योगी टाइप के हो गए क्योंकि ज़्यादा टू काम या टू काम भी नहीं रहना है क्योंकि केज के अंदर आपको वायलेंस भी चाहिए. यू हैव टू किल और बी किल्ड लाइक यू नो इट्स किल और बी किल्ड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी काम इन केओस. इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस राइट. जो भी आप कर रहे हो आप पूरी शिद्दत से करो. अगर मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे पूरा यहाँ रह के देना पड़ेगा. यस फोकस एंड सेम थिंग मेडिटेशन में अगर मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा हूँ तो मुझे ब्रीथ में फोकस करना पड़ेगा. एंड क्या होता है कि जैसे अगर मैं ब्रीदिंग नहीं है अगर मैं फाइट पे फोकस कर रहा हूँ मेडिटेशन तो मेरे सिर्फ फाइट पे फोकस है. तो आई एम लाइक मैं वो जी रहा हूँ लाइक फाइट से पहले मैं वो पूरे
देख रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है. You walking down the cage, getting into her. Then, not just fight, after the fight कि मेरे emotions उछले ना. क्योंकि जैसे पहले मैं fight जीता, I'm like, I win the fight like this, you know. And इस बार ऐसा था कि मैं वो exactly वो था कि मैं वो control कर सकता हूँ कि नहीं. इस बार मेरा ये था. And just the last fight में जो था मैं, I was like, fuck, I win this fight. Like, you had that aggression. पर इस बार ये था कि इस बार मेरा ये था कि क्या मैं वो aggression के बाद adrenaline bump को dump कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. तो can you go from up here to down there and be calm? And then it was interesting for me. ये मेरे लिए बहुत नया अलग कुछ सीखने के लिए था इस बार. It's actually very. It's मैं सोचा. I'm thinking about it also. बहुत कम Indian fighters ऐसे बात करते हैं. They don't look at it as it is a like a job and a very serious job. And obviously, अगर आप job करें, you should be the best at your job. And it's what you are striving to be. Right? I also wanted to ask you, Jay, say you walked into the cage. You got there. The announcer announces your name. Was there any feelings of nervousness, any sort of, you know, tightness feeling at that point, or were you calm? Yeah, I mean, जो हमारा pre-prep routine होता है, जो fight से पहले होता है, तो हमारा उसमें ये होता है कि जब हम preparation करते हैं, तो हमारा cage लगा होता है, walkout song भी वही होगा जो fight वाले दिन होगा. Even सुबह मैंने क्या करना है, मुझे अगर मुझे 8 बजे उठना है, तो मैं आज fight वाले दिन भी 8 बजे उठूँगा, जो मेरा fight week में है, या जो मेरा fight month होता है. हाँ जी. तो जैसे अगर मुझे 9 बजे उठना है, तो 9 बजे उठना है. और अगर मैं एक दिन पहले 8 बजे सो रहा हूँ, तो मुझे 8 बजे सोना है फाइट वाले. तो ऐसा होता है कि जैसे अगर मेरी फ्राइडे को यहाँ स्पारिंग है, जो रोटी एफसी में होना था, तो हमने ऐसा किया था कि फ्राइडे को मेरी स्पारिंग होगी, सुबह मैं 8 बजे उठूँगा. उसके बाद जो मेरा होता है कि जैसे पहले मैं भजन सुनता हूँ, एंड देन एफर्मेशन सुनता हूँ, देन अपना जो भी खाया पिया फ्रेश हुआ, और उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बहुत अलग है. मेरा मैं खुद मानता हूँ कि मेरा भी रीबर्थ हुआ है. मतलब 10 साल बाद मेरा रीबर्थ हुआ है. मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे पास कोचेस नहीं थे, नथिंग. जब मैंने बिगिनिंग, एंड अभी क्या है कि मेरे पास सब कुछ है. मेरे पास कोचेस है इन देहरादून अंडर वन रूफ, लाइक बॉक्सिंग कोचेज है, रेसलिंग है, कंडीशनिंग हो गया, लाइफ स्टाइल कोचेज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. इवन मेरे पास सबसे अच्छी टीम है. नाउ मुझे लगता है कि अब मुझे भगवान ने एक मौका दिया है, तो अब वो बोल रहा है कि भाई अब तू क्या कर सकता है. कि चल एक टाइम दे टेस्टेड मी, लाइक उन्होंने मुझे टेस्ट किया कि ओके ठीक है कि तू बंदा कहाँ तक टिक पाता है. एंड आज मैं बहुत सारे चीज़ें थी जिससे निकला हूँ बाहर. एंड नाउ अब यह है कि अब मेरे पास सब कुछ है. अब मेरा ये है कि मैं खुद मानता हूँ कि इट्स लाइक अ रीबर्थ, कि हाँ भाई अब तू क्या कर सकता है ना. अब मैं करूँगा. मेरी आने वाली फाइट और इंटरेस्टिंग होगी. एंड डेफिनेटली like and as a general app professional here, you're one of the few things I've always told people is that like Angad is a professional. There's no bullshitting around you, and you've gone through some tough losses as well. Like a lot of fighters jaise aajkal in UFC pe chalte undefeated hai, unko aata hi nahi ki like they don't know how to process a loss. You've gone through some tough ones. Talk to me about aapke losses, or how do you learn from that and come back from it? Yeah, you know? I mean jaise jo mera first loss tha, wo tha Dhrubhai ke sath. Wo tha short notice pe. I was like 3 din ke notice se mujhe fight mila tha. रियलाइज करता हूँ वो चीज़ें कि मेरा 3-0 का रिकॉर्ड था, अगले बंदे का 12-6 का रिकॉर्ड है, 18 प्रोफेशनल फाइट है, और मैंने 3 प्रोफेशनल फाइट किए. तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं. लाइक मैं अब सोचता हूँ कि यार मैंने क्या किया. तो आई वॉज लाइक क्लीनर, जो मैं बोलता हूँ कि यार लेट्स गो लेट्स फाइट. तो उन्होंने मुझे बोला कि फाइट है दिल्ली में. आई वॉज लाइक ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम. तो वेट कट भी मेरा ऑलरेडी डाउन था, फेदर वेट था, और कैच वेट में फाइट हुई थी 64 kg पे. ऑलरेडी मेरा 63 वेट चल रहा था. आई वाज जस्ट रनिंग, एंड उस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. आई वाज जस्ट, मेरा एक छोटा सा एकेडमी थी, ओल्ड एकेडमी, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे भी नहीं आते थे उस समय. तो और कोचेस भी नहीं थे. आई वाज लाइक स्पारिंग पार्टनर्स भी नहीं थे. नहीं था, कुछ नहीं था. आई मीन लाइक जब मेरे फाइटर खुद फाइट कर रहे थे वो एमेचर इवेंट में, एंड देन मेरी फाइट थी, तो मैं उनको कोचिंग दे रहा था, एंड देन मेरी फाइट हुई. तो सच बताऊँ तो उस समय इतना मैच्योर नहीं था कि मैं, मुझे समझ नहीं आती बाउंस भी कुछ होता है. एंड वो लॉस हो गया. देन मैं 2 फाइट जीता. देन जो मेरा थर्ड सेकंड लॉस हुआ सुमित भाई से, वो नॉकआउट था. तो वो बहुत गंदा लॉस था. इवन मेरा फर्स्ट लॉस भी चोकआउट था, सेकंड नॉकआउट हो गया मैं. तो उससे पहले मेरा, मैं जैकी भाई से भी आ रहा था, तो वो बहुत ब्रूटल डिसीजन आ रहा था. मेरा पाँव पे बाउंस क्या होता है. पर जब मैं सुमित खाड़े से आ रहा, एंड जो नॉकआउट हुआ मेरा, और उस समय में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी शिट, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं जब भी आ रहा हूँ मैं अंदर से शांत नहीं था कभी. हाँ, आई वॉज नॉट इमोशनली बैलेंस कि क्या हो रहा है. आई वॉज लाइक टू अग्रेसिव, एग्जैक्टली.
मैं जा रहा कि मारने पर एक बंदा हाथ में आ जाए बस, मेरा ये था कि एक बार मेरे पास क्लिंच में आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं. और आई मीन मैं नॉकआउट हो गया राइट. तो जब नॉकआउट होने के बाद मैं फिर लॉकडाउन भी हुआ और देन एक बहुत अच्छी जर्नी रही उसके बाद. मैं फिर मैं समझ में आ गया कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. कई बार वीकनेसेस काफी था टू वर्क ऑन दैट. आई मीन कई बार हम हारते हैं और हमें ऐसा होता है कि नहीं नहीं खेलना है दोबारा. जल्दी मुझे ये जो लोग बोल रहे हैं उनको गलत साबित करना है, ऐसा सारी चीज़ें. आई वॉज लाइक मैन फक इट मैन, मैं टायर्ड हो गया हूँ, आई जस्ट नीड अ रेस्ट. एंड यू फॉर हैवी वेट क्लास आल्सो? या उस समय फेदर वेट फाइट था. इवन वेट कट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था. लाइक लेट्स गो ब्रो, लेट्स बैंग ईच अदर, ऐसा था. जस्ट लेट्स गो लाइक अग्रेशन. तो वो मेरा एक साल का गैप रहा. देन मैं रियलाइज हुआ कि मुझे बैंथम में खेलना चाहिए. एंड देन होपफुली मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए जैसे माइक मार्टिन कोच हो गया ब्राज़ील के. उन्होंने लाइक वो फर्स्ट कोच है जो मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम 2 महीने तक रहे. एंड उस बंदे ने मेरी लाइफ चेंज किया. उस बंदे ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि भाई कैम्प क्या होता है, सिचुएशन राउंड निकालना है. पहले हमारा ऐसा था कि ब्रो जस्ट किल ईच अदर. जो ऐसा था कि हर दिन यू हैव टू गो हार्ड, 10 minutes के 10 rounds करने हैं. Not understanding recovery. Recovery, yes. And then conditioning session proper कैसे करने हैं. पहले हमारा ऐसा था कि 20-25 kilometers भागो. And then we realized कि ऐसा अच्छा ऐसा सही नहीं है. Then अंदर से अंदर की growth भी बहुत important है. Meditation बहुत important है. It's like peak performance क्या होता है कि आप जो पूरे महीने में खा रहे हो, जो फाइट वीक में खा रहे हो, वो आपको फाइट डे में खाना है. क्योंकि ये नहीं कि डाइट एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट, ये नहीं कि ऐसे नहीं कि फाइट डे के अंदर आपको कुछ और मिल गया आपने, अरे यार ये तो अच्छा हो रहा है चलो ब्राउनीज खा लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ. तो जैसे मैं प्री प्रेप की बात कर रहा था तो वही होता है कि हमारा जैसे अगर मेरी फाइट वाले दिन अगर 7 बजे फाइट है तो हमारी 7 बजे ट्रेनिंग होगी. अगर मेरा फाइट डे में मेरा वर्कआउट सॉन्ग जो है वो होगा जस्ट टू गेट यू यूज्ड टू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. एंड देन ऑलरेडी मैं माइंड में रिपीट कर रहा हूँ और विजुलाइज कर रहे हैं. देन उसमें भी बहुत सारे लेवल्स है कि आप एक तो थर्ड पर्सन होकर देख रहे हो, आप एक फर्स्ट पर्सन होकर देख रहे हो कि आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, एक आप बाहर रह के देख रहे हो कि ये अंगद विस फाइट कर रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं. एंड देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि आप प्री प्रेप क्या करते हो. एंड इसमें एक ये भी होता है कि कई बार कि सपोज ये नहीं हुआ, सपोज 7 बजे फाइट हुई, सपोज 9 बजे होगी, तो हमें ये भी करना पड़ता है कि सपोज चलो एकदम से कि फाइट आ गई, सीधा आ गया हम, एंड देन 4 बजे हमारी स्पारिंग होगी. तो कई बार ऐसा भी होता है. एंड देन टेपरिंग हो गया, पेरोडाइजेशन हो गया, ये भी बहुत बड़ा रोल इस बार हमने इन इन मेनी वेज यू लाइक आई हैव कम टू म्यूटेंट एमएमए एकेडमी एंड आई हैव सीन हाउ आप स्ट्रक्चर कर लिया जिम को. आई वांट लाइक टॉक टू मी अ लिटिल अबाउट हाउ यू ये हाउ द आइडिया केम अबाउट टू स्ट्रक्चर इट लाइक दिस एंड ब्रिंगिंग अप द गाइस इन योर जिम. तो लाइक मेरी लाइफ में अभी मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि सबसे अच्छा ये हुआ कि मेरा कोच नहीं था कोई, मेरा अब जाके कोच बना है. क्योंकि कई बार आप चीज़ें जब मिस्टेक करके सीखते हो तो आप सीख जाते हो और आपको कोई भुला नहीं सकता. सेम थिंग जैसे आई मीन मैं बहुत सारे जिम में गया, बाहर भी गया, एंड देन मैं वहाँ से सीखा मैंने कि अच्छा ये बिगिनर क्लासेस यहाँ डालते हैं, एम प्रोफेसर को यहाँ डालते हैं. पर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि हमने कहा कि चलो ठीक है यहाँ 3 लेवल बनाते हैं, क्योंकि level 3, level 2, level 1. और लेवल में जो कोर टीम है, जो लड़के अच्छे हैं, जो एवरी सिंगल डे विल बी दे विल बी फाइट टीम, चाहे वो बारिश हो या कुछ हो, चाहे वो इंजरी हो, सर दर्द है, कुछ भी है. एंड देन उसमें 10-12 लोग हैं. एंड जो level 3 में वो लोग हैं कि जो नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जो फंडामेंटल सीख रहे हैं. फिर उसमें से level 3 में ऐसे लोग कुछ आए, कुछ नहीं आए, कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे. कभी कभी हम बोलते हैं लेकिन वी कांट कंट्रोल देम, कांट कंट्रोल एनीबॉडी. हां. एंड जो बंदा है करने वाला वो आगे बढ़ेगा. देन level 2 में आते हैं. देन level 2 में आते आते फिर ईगो इशू भी होता है लड़कों के अंदर, क्योंकि एमेचर फाइट जीतते हैं. एंड देन 2 या 3 एमेचर फाइट जीत के उनका दिख जाता है कि यार हो गया, बस ठंडा बढ़ गया है. और आजकल सबसे बड़ा जो बुलशिट ये हो रहा है कि एमेचर फाइटर जीतने के बाद लोग अपना स्वागत करा रहे हैं. दे लाइक कि ये मुझे बहुत आई थिंक यू नो कहीं ना कहीं क्योंकि इस गेम के लेवल से इवन आई एम नॉट देयर, आई एम नथिंग. इवन मैं कुछ नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट. लाइक मेरे पास भी बहुत टाइम है मुझे प्रूफ करना है अपने आप. मैंने अभी कुछ प्रूफ नहीं किया है. और जब मैं देखता हूँ कि एमेचर फाइटर जस्ट एक सिंपल सी विन के बाद, जो भी एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, यू आर ट्रेनिंग अंडर अ प्रोफेशनल कोचेज एंड यू आर गोइंग देयर, यू किलिंग हिम एंड यू थिंकिंग लाइक ओके बस हो गया बस. तो वो बहुत बड़ा एक चुतियापा चल रहा है सब. एक्चुअली जब मैं था दिल्ली में था, जब मैं एमेच्योर, वैसे मैं जिम लाइन से ही गया हूँ. पहले मैं बॉडी आई मीन जिम ट्रेनर ही था. लाइक ह्यूज मेरी फर्स्ट एमेच्योर फाइट ही मिडिल वेट में हुई है. मिडिल वेट पे 75 kg, 75 मिडिल वेट राइट. हां, वेल्टर वेट आई थिंक. वेल्टर वेट. हां. तो आई मीन फॉर वेल्टर वेट टू फ्लाई वेट इज क्वाइट अ बिग जंप. यस एग्जैक्टली. तो मेरी फर्स्ट तो उस समय नहीं पता था फाइट है भाई, फाइट करनी है बस ऐसा है. पर लेकिन मैं आया था जिम लाइन से और जो
मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल द एमएमए, क्योंकि पेन सहना, नो पेन नो गेन, एवरी सिंगल डे यू हैव टू बी देयर, डिसिप्लिन, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वालिटी है वो जिम लाइन्स आई थी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे मसल बनाना है. ये चीज़ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, लाइक पीपल मेक फन ऑफ इट, यू नो, जिम की, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल इन द जिम, एसआई बॉडी एसआई नहीं बनता है. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू लुक लाइक दिस. यस, डाइट, फोकस, डिसिप्लिन. तो एंड देन जब मैं एमएमए स्विच किया मैंने, एंड देन उसके बाद मैं बहुत जिम में गया. एमेचर तक हम एक ही जिम में थे, देन मैं रियलाइज किया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए. देन मैं कुछ टाइम तक, एक दो साल फियर आउट में था, और उसके बाद मैं बैंगलोर गया. देन बैंगलोर में एक जिम में गया मैं, वहाँ मुझे एक प्रोफेशनल कोच मिले ब्लैक बेल्ट के, एंड ही इज़ द फर्स्ट गाय जिसे मुझे, जिसके एक्चुअली जिससे होता है कि सच सिस्टम कि पहले गार्ड, सॉरी आई मीन पहले पोजीशंस हैं, जब तक आपको पोजीशन कंट्रोल करना नहीं आता आप सबमिशन पे नहीं जा सकते. नहीं जा सकते. एंड मोस्टली जिम में मैं देखता हूँ कि लड़के सीधे आर्म बार सीख रहे हैं, लाइक वेरी बुलशिट टू बी ऑनेस्ट, कि पहले आपको पोजीशन के बारे में कि साइड माउंट क्या होता है. और एंड देन मेरा खटका यार कि मैंने, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मैं 10-10 घंटे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है. ठीक है, गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम इट. हां, तो उस समय और भी जिम थे, लेकिन वही है कि वहाँ पैसे ज़्यादा लगते थे तो बहुत दिक्कत आती थी. एंड देन अभी मेरा यहाँ यही रहता है कि हम कम से कम पैसों में करें. कह रहे उस समय जब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा सिस्टम ये है, देन मैं 20 दिन वहाँ रहा, देन मैं घूमा, देन मैं फिर मुंबई गया, फिर उस समय लॉकडाउन हुआ, डीमोनेटाइजिंग हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी. देन मैं फिर वापस आया, देन मुझे सुपर फाइट लीग का चला था. उसमें पहले मुझे 2017 में मैंने खेला था, जब मैं कंटेंडर्स पे था, कंटेंडर्स दो बार खेला था. एंड इट वाज, उन्होंने कहा कि फाइट है, तो मैंने एक लोकल ट्रेन पकड़ी वहाँ से, मैं अगले दिन दिल्ली आया, उन्होंने फ़ाइट करी. 2017 की बात है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगेन वही है कि इट्स ऑल अबाउट मेंटल, क्योंकि मैं 2 महीने से मैं जिम नहीं कर रहा था, सॉरी आई मीन मैं अकेडमी में नहीं था, क्योंकि मुंबई में मैं एक गाँव में था, पनवेल में मेरा भाई रहता था वहाँ पर, तो मैं गाँव में था, बट आई वॉज स्टिल रनिंग, डूइंग शैडो बॉक्स, कीप इट द कार्डियो, लाइक हैवी कार्डियो गया. बट यू वांट ट्रेनिंग एमएमए लाइक. हां, तो जब मेरी फाइट हुई तो वो बंदा जीत रहा था, वो आई थिंक एक राउंड जीत गया था. सेकंड राउंड पे मैं नीचे था, मैं ये सोच रहा था कि यार साला तूने पढ़ाई छोड़ दी, तू अच्छा खासा डॉक्टर बन जाता तो साला इसमें क्यों घुसा. और जो मैं मुंबई से जब मैं दिल्ली आ रहा था, उस ट्रेन में जो मैं आ रहा था ना, इज लाइक वो वही चल रहा था, उसमें ऐसा सीन हो रहा था, उसमें बहुत खचा खच लोग आ रहे थे, इन द जो पैसे मांगते हैं, इट्स लाइक बहुत ही ऐसा लग रहा था, चल रहा था. अरे मुझे ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा कि नहीं. वो 24 घंटे की 33 घंटे में उन्होंने दिल्ली पहुंचाया. देन अगले दिन फाइट थी, और सेकंड राउंड में जब मैं हार रहा था, आई वाज लाइक यार, एंड स्विच हुआ मेरे माइंड में, मैंने कहा फक इट मैन, जब तूने इतना सह दिया एवरीथिंग, थोड़ा सा और क्यों नहीं. क्योंकि बहुत सारा था, एमेचर में भी इंजरीज हो गया, एंड देन बहुत सारा जो था प्रेशर हो गया, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के मैं इस लाइन में आया था, एंड आई वाज गुड इन स्टडी, तो ऐसा था कि घर वालों का कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, ऐसा था ही, इवन मुझे भी था, और सबकॉन्शियसली आ भी गया था कि चलो ठीक है मैं डॉक्टर ही बनना है वो भी फाइट पे. तो उस समय ऐसा हुआ कि यार ब्रो लेट्स, एंड देन वही मेंटल गेम, आई स्विच द गेम, ट्राइंगल लगाया, देन ग्राउंड एंड पाउंड, आई विन द फाइट. एंड देन एक महीने बाद क्या था कि उन्होंने कहा कि एक महीने बाद तुम्हें अब एक और फाइट होगी, अगर तुम वो जीतते हो तो तुम्हें प्रोफेशनल फाइट मिलेगी. वो महीना मेरा पूरा महीना मैंने ट्रेनिंग किया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बता सकता हूँ? या ऑफ कोर्स, गो फॉर इट यार. तो आई मीन लाइक आई वाज लाइक ब्रोक, टू बी, मैं ब्रोक था, मेरे पैसे नहीं थे एक भी. मैं दिल्ली में था, द्वारका में, मेरे पास 1 रुपये थे, तो मेरे अकाउंट में आते हैं 5,000 रुपये. ठीक है, तो उस समय डीमोनेटाइजिंग हुआ था, तो कैशलेस, जो कार्ड ज्यादा स्वाइप कर रहा था, तो क्या होता है जन धारक योजना आई थी कुछ, तो क्या हो रहा था उसमें 50,000 लोगों के अकाउंट में पूरे इंडिया में 5,000 रुपये आए थे, तो उसमें मैं भी था एक. गॉड लकी. तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आए, आई वाज लाइक यार ये किसने भेज दिया. एंड देन 5,000 रुपये थे, आई वाज लाइक चलो ठीक है एक महीने का निकल गया. एंड देन वो फाइट हुई, एंड देन एक होता है बुरा टाइम, उसके बाद आता है गुड टाइम्स. नहीं, उसके बाद और बुरा टाइम, हार्डर टाइम्स. यस, तो इवन हार्डर टाइम. हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक महीना मेहनत किया, देन उन्होंने कहा कि यहाँ फाइट है. उस समय आई थिंक 2017 की बात है, आई थिंक वो एमेच्योर के साथ, नहीं एमेच्योर के साथ उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल भी होगा, मतलब जो एमेच्योर जीतेगा. तो छः एमेच्योर फाइटर ने सेलेक्ट किए थे, 6 फाइट्स, और 7-3 दिन पहले मुझे हो गया था जॉन्डिस. मुझे पता नहीं था मुझे जॉन्डिस है, मुझे पता नहीं था. एंड 3 दिन फ्रॉम बैड टू वर्स, और वो और अलग था, क्योंकि आई मीन मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ रात को उल्टी हुई, ऑलरेडी मैं
एक महीने से उस पे था. हाँ. जब मैं होटल गया मैंने कहा यार सब खावा है तू. मतलब डाइट बहुत ऐसा था कि एकदम से चकाचौंध मिल गया. हाँ. तो मैंने कहा भाई एंड यू वर नॉट वरीड अबाउट वेट एंड ऑल दैट एट दैट टाइम. उसे पता नहीं था कि वेट क्या होता है. तो जब मैं जॉन्डिस था रात को मैंने उल्टी की देन सुबह मैं पूरा वैसा वीक हो गया था. देन आई वाज लाइक ब्रो फक इट मैन फाइट तो करनी है भाई. देन वो बोल रहे थे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे क्योंकि जाएंगे तो बोलेंगे भाई जॉन्डिस है. हां से और मुझे पता नहीं था जॉन्डिस है एक्चुअली. तब तक मेरा था कि मुझे मे बी समथिंग इज रॉन्ग. या समथिंग इज रॉन्ग. इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे पास कॉर्नर भी नहीं था. और मैं जा रहा था लाइक मैं गया अंदर मैंने कहा मैं जो होगा देखा जाएगा. कोच नहीं था एंड यू स्टिल वेंट टू फाइट. ब्रो यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. दैट मींस ये रियल फाइटर्स बोलते हैं बिना कुछ नो हेल्प नथिंग यू स्टिल वेंट टू फाइट. आई मीन वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं गया जो मेरा अपॉइंट था वो था खंता भाई है ना उनका स्टूडेंट था. और मेरे कॉर्नर पर कोई नहीं था तो मेरे कॉर्नर पर आता है ध्रुव भाई. तो ध्रुव भाई कब आते हैं जब मैं फाइट के राउंड के बीच में आया वो मुझे पानी दे रहा है. मैंने कहा यार ये भाई थैंक यू यार. तो मुझे पता नहीं था कि ये भाई पीछे है मेरे. उस समय तक मुझे कुछ पता नहीं था जब तक मेरा उनके साथ मैच नहीं हुआ. तो मुझे तब तक पता नहीं था कि ध्रुव कौन है. और देन मैं कभी बोलता था मैंने कहा आपको याद है कि एक में ऐसा हुआ था. मुझे पता नहीं उसे याद होगा कि नहीं होगा लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक लाइक ऐसा है कि आई मीन देजा वो टाइप का कि एक मतलब एक चीज़ बार बार लाइफ में आती है कि यार कुछ मतलब रहा होगा उस समय. एंड देन ऐसा था एंड देन मैंने और सेकेंड राउंड में ऐसा था मेरे पास मैं था क्रॉस गार्ड पे. मैंने स्विप किया और मेरे पास आया आर्म ट्राइंगल. तो मैंने आर्म ट्राइंगल पकड़ा हुआ था. मैंने कहा अगर ये छोड़ दिया ना अगर तो ये बंदा मुझे मारने वाला है. तो मैं सूखा था मैंने कहा बहुत इंजर्ड था वो था. मैंने कहा भाई छोड़ना मत इसे. तो वो टैप हो गया था. एंड यू पुट हिम इन ऑल लाइक वेरी टाइट आर्म ट्राइंगल. या आर्म ट्राइंगल. देन मैंने बैक पकड़ा. मैंने कहा भाई प्रोफेशनल रहने दो अभी घर जाता हूँ. देन यहाँ चेकअप कराया. देन उसमें जॉन्डिस निकला. बिलिरुबिन 6.7 ये भी आता मुझे. आपने बहुत अच्छा पूछा क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ब्रेक कब लेना लाइफ में. और जब मैं अभी देख रहा हूँ ना कि मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में एक एक साल का गैप आया है. एक एक साल का गैप आया है एमएचओ के टाइम पे. तो जब मैं उस समय मुझे जॉन्डिस में मैं घर आया मेरे घर वाले ने मुझे ताने मारे कि और कर लड़ाई मेरी आंटी जी ताई लोग पूरे मोहल्ले के आसपास के लोग जब बोलते हैं वो और गलत बोलते हैं. वो अच्छा बोलने के जब वो बोलते हैं अरे 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 ऐसे करके. पर मुझे पता आई नो कि जस्ट टाइम आएगा. देन एक महीने बाद मुझे एक जॉब मिली हरियाणा में. एंड देन मैं एक साल के अब मुझे ये पता चल गया था कि भाई सीखना कैसे है क्योंकि मैं बैंगलोर गया मुझे सिस्टम समझ में. देन मैंने जॉन डेनवर की थोड़ा वीडियोज़ देखी. देन वो सिस्टम के बारे में बताता कि भाई ऐसा होता है पोजिशन हो गया सबमिशन सबसे लास्ट में आते हैं. पहले ट्रांजिशन सीखो गार्ड पास सीखो. एंड देन यूट में हाउ टू पास द गार्ड क्रॉस गार्ड से कैसे जाना है ना. अच्छा ठीक है. नहीं इतना समझ में आया था कि भाई एक ही मूव को हज़ार बार कर हर दिन तब जाके वो ऐसा होगा. जैब मारना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना जैब के तू इन वन ईयर आई जस्ट डिड दिस कि वहाँ पर जो जिम था वहाँ पर बच्चे बहुत कम आते थे कि मोस्टली मेन एमएमए फेमस नहीं है हरियाणा में. वहाँ रेस्लिंग ज़्यादा है. तो मैं हिसार में था. एक साल मेरा बहुत बेस्ट था वो सॉलिट्यूड वाला था कि मैं अपने दोस्तों से दूर था घर वालों से दूर था. ऐसा रूटीन होता मैं 4 बजे उठता था 5 से 10 एकेडमी 20 राउंड बैक पे निकालने हैं 100 पुलअप करने हैं 100 पुशअप मारने हैं. ये हर दिन का रूटीन था. उस समय वन पंच मैन भी देख गया था तो उससे भी थोड़ा इंस्पायर्ड हो गया था कि यार ठीक है कोई भी चीज़ आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो लेकिन लंबे टाइम तक करो तो उसका रिजल्ट आ जाता है. शाम को फिर यही था. फिर लड़के भी आते थे थोड़ा आई मीन That is a very mature outlook. That small, small, small becomes very big. Fighters सोचते नहीं इसे. तो I mean वो मेरा solitude का time था and उसमें आप reflect करते हो कि यार ठीक है ऐसा होना चाहिए. And then मैंने एक साल का gap लिया. एक साल बाद मैं गया season 2 में SFL. And then मैंने वहाँ पुष्टा लगाया. And then त्रिभुवन के साथ मेरी fight हुई. And मेरे साथ अच्छा हमेशा ये हुआ कि amateur circuit में मेरे जितने opponent हैं they are like from well known gym. त्रिभुवन भी उस समय आई थिंक बड़े जिम से आया था. बस अपना यह था कि भाई कार्डियो है और अब बेसिक आ गया है. अगर आप फाइट देखोगे तो मैं जैब क्रॉस हो गया इवन टेक डाउन डिफेंस भी नहीं आता था गार्ड पुल हो गया. पर मैंने कहा जितने उससे काम चला लें अब यह है कि कार्डियो आपका हैवी है लेकिन कार्डियो तो हम दबा के करते हैं लाइक रनिंग. नो प्रॉब्लम. कार्डियो में आ जाओ आप. तो आई नो कि थर्ड राउंड पे ऐसा उस समय तो ऐसा विजुलाइजेशन का कुछ नहीं था लेकिन यह था कि भाई चलते रहना है बस. तो 3 राउंड फाइट हुई थी. उन्होंने एक और राउंड करा दिया था कि they are not satisfied kiya over time ek aur kara do ke aisa tha. then and wo jeetne ke baad then main then unne kaha ki fight hai aapki
देन MTV पे आई वाज लाइक चलो ठीक है एंड देन उसके बाद एंड देन अगेन वही है कि ये अंदर की बात है जैसे कि अगेन मेरी फाइट थी प्रोफेशनल एंड अगेन आई वाज फक्ड अप क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो जब आप बॉडी आप डिहाइड्रेट होती है तो स्पैज़म पड़ते हैं एंड वो क्या हुआ हल्का सा फास्ट चूचो और ये बोन मेरी बाहर आ गई थी you popped a rib I've had that injury as well पर मेरी दोनों रिब बाहर है मैं दोनों बताऊंगा मेरे एक है बाहर तू दोनों बाहर आप समझ रहे हो ना किसी जिसमें आप हंस भी नहीं सकते हो सांस ले भी नहीं सकते एग्जैक्टली वही 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 तो 10 दिन पहले वो हुआ एंड वाज लाइक यार ये क्या हुआ अभी एकदम से लाइक मैं ऐसा था एंड देन एकदम से सडनली ये क्या हो गया एंड चल नहीं पा रहा था एंड देन मेरा दोस्त आया देन वो लेके गया मुझे रूम तक एंड देन यू अलोन दिस होल टाइम एंड देन उस समय मैं दिल्ली में था उस समय देन उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं खेल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी इंजरी हो गई है उन्होंने कहा एक बार तुम यहाँ आ जाओ फिर देख लेंगे मैं वहाँ गया फिर अब तो तुम आ गए हो अब तो खेलना पड़ेगा That's how he got you to... मैंने कहा थोड़ा टाइम लेता हूँ मुझे लगा क्योंकि फाइट लेट में होगी देन वो कार्ड बन गया था देन वो आई थिंक पोस्टर भी छप गए थे देन नो ऑप्शन नो ऑप्शन हैड टू फाइट देन मैंने कहा चलो फक इट मैन लेट्स टेक अ पेन किलर जो होगा देखा जाएगा तो मेरी फर्स्ट फाइट थी और मेरे यहाँ ये मैं खोल नहीं सकता था एंड ये था कि वो स्वप्निल भाई ने खुद ही एंट्री दे दी थी एंड वो होपफुली मैं जीत गया तो मे बी एंड देन सेकेंड फाइट प्रदीप हुड्डा के साथ आज यहाँ भी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैं वही कह रहा हूँ कितना मतलब जर्नी इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग आपके लाइफ में दोबारा आते रहते एंड जो उसने मुझे किक मारी फर्स्ट राउंड में वो उसने वही मारी और आपको पता है वो बोन बाहर थी जब उसने किक मारी वो उसने अंदर चला गया वो उसने बोन सेटल कर दिया एंड उस समय तो पेन नहीं हुआ क्योंकि पेन किलर खाए थे रात को 3 बजे उठा मैं पेन से यार एग्जैक्टली पेन और पैर मेरे पैर पे स्वेलिंग थी और यहाँ स्वेलिंग थी मैं उठा सो नहीं पाया मैं गया उस समय आई थिंक हम डिप्लोमेट में थे राइट वहाँ पर ताज होटल के बगल में रात को 3 बजे मैं गया मैंने वहाँ बैठा एंड देट वॉज अ मोमेंट कि यार क्या यार भाई तू कहाँ सा है और तूने अभी क्या हुआ आज और इस लाइक काम कहते हैं ना पीस अब आ रहा है बाहर कि मैं अब बोल पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा है एंड जो मोमेंट था अगेन जैसे हर फाइटर आई थिंक जो मोमेंट होता है ना इट्स नॉट जस्ट वी आर पार्टी एंड हम ये कर रहे हैं आई थिंक वो नहीं है वही था वो मोमेंट था जब मैं बैठा हुआ था वहाँ पर क्योंकि एक टाइम था जब मैं एमेचर में मुंबई गया था तो मैं बीच में गया था मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई मैंने कहा यार मैं अब आते रहूँगा जब फर्स्ट टाइम मैं प्लेन से गया तो मैंने उस टाइम फ़ोटो नहीं खिंचाई प्लेन के साथ क्योंकि मुझे पता था मैं अब आते रहूँगा आज लाइक दिस एंड जब मैं बैठा हुआ था आज लाइक रिफ्लेक्टिंग ऑन माई पास के ऐसा है एंड देन थर्ड फाइट हुई देन मैं जीता देन मैं घर गया एंड देन अगेन उसके बाद जब मैं रिलेशनशिप में आया देन आई वॉज फक्ड अप तो देन इसलिए मैं कहता हूँ लड़कों को यार ब्रो कि यार जो तुम कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखो एंड देन पर्सनल लाइफ प्लीज क्योंकि वी आर नॉट मैच्योर इनफ क्योंकि अभी हम मैच्योरिटी के लेवल बहुत पीछे चल रहे हैं बहुत पीछे चल रहे हैं इमोशनली बैलेंस इज डिफरेंट थिंग तो एंड आई हैव ऑलवेज सेड लाइक बट लाइक यू आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेंटली या सो आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट सो आई वांट टू आस्क यू कि लाइक जब तुम MTV पे लड़े थे क्या तुम्हारे दिमाग में वाज इट अ बिग डील कि लाइक वो मैं रोडीज के साथ चैनल पे हो डिड यू थिंक लाइक दैट नहीं मुझ समय मुझे उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मैंने टीवी पे बताया नहीं घर वालों को मैं टीवी पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरी इंजरी थी मुझे लगा कि मैं हार गया तो हार गया जीत गया और आपको पता है देखो मैं वही कह रहा हूँ इट्स लाइक रीबर्थ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल पहले जो मेरा माइंडसेट था वो मेरा दोबारा आया कि मुझे परवाह नहीं है आप किसी से कि क्योंकि मैं उस समय एमेच्योर था राइट मुझे परवाह नहीं थी मैं जीतूँ हारूँ क्या हो क्या रहा है यहाँ पर क्योंकि आई वॉज अ फाइट क्लब गाय यू नो एडवर्ड नॉर्टन कि वो जो उसका स्टोरी है फक द बिग थिंग्स ऐसे कोई नहीं चाहे जस्ट लिव योर लाइफ ऐसे वैसे पर जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया वो जब मैं सुमित भाई के साथ फाइट थी मेरी एंड देन मैं वहाँ गया एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है यहाँ रोल्स रॉयस घूम रही है फरारी घूम रही है एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट MFN देखो MFN ने क्या किया दे गेव द स्टैंडर्ड टू फाइटर समझ नहीं पा रहे हैं कि यार उनको मिल क्या रहा है इट्स वेरी बिग थिंग मैं समझ गया था ओके वी आर लिविंग इन द वर्साचे और क्योंकि वहाँ से एक लाइक मैंने वहाँ देखा कि एक बंदे थे दो मोटे बंदे वो बहुत पैसा उड़ा रहे थे मैं लाइक यार ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं है फिर भी इतना कमा रहे हैं क्या है हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एवरी सिंगल डे वी जस्ट वर्किंग हार्ड कुछ नहीं कमा रहे हैं वहाँ पर मुझे वो चीज़ खटके यार लाइक ये सही नहीं है यू नो आई डिज़र्व फरारी मैं भी फरारी डिज़र्व करता हूँ मैं भी जमीन अपनी बड़ा सा लैंड डिज़र्व करता हूँ बहुत सारी एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा बिजनेस लाइन में गया देन मुझे समझ में आया कि कैसे करके मैं ब्रांडिंग करूँ कैसे करके मैं अपने जिम को और अच्छा बना सकता हूँ एज अ
क्योंकि ये फाइट जिम तो था ही लेकिन एज अ फिटनेस जिम नहीं था एंड फिटनेस वालों से मोस्टली इनकम बनती है कई बार फाइटर्स से बनती है लेकिन लाइक पर इन चीज़ों को हाँ। इन चीज़ों को मुझे देखना पड़ा कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए यू नो मेरे पास बड़ा लोकेशन चाहिए क्योंकि पहले एक छोटा सा जिम था तो वो छोटा सा रूम था वहाँ 20,000 रेंट था वहाँ पर अब इसका रेंट यहाँ पर 1,00,000 है लेकिन लेकिन हमारे पास बड़ा स्पेस है तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इवेंट्स करवा सकते हैं एंड लाइक जब आपका बड़ा परसेप्शन बनता है तो आपका थिंकिंग भी बड़ी हो जाती है ऑब्वियसली दैट्स एक्चुअली अ स्मार्ट आइडिया कि अ बिगर थिंग विल कॉज बिगर थिंकिंग इन्वेस्टमेंट आई मीन मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास कुछ नहीं है अगर फाइनेंस तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो अपने स्किल्स पे राइट अगर आपके पास पैसे नहीं है ओके पैसे किसी के पास नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लेकिन आपके पास टाइम सबके पास होता है तो आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कह रहे हो आपको फाइटर बनना है राइट बट लेकिन मैं ये बोलूँगा इंडियन बी मैच्योर लाइक मैं जो बोलता हूँ कि मैच्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है सही क्या हो रहा है और ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ईगो में आके बंदे बहुत गलतियाँ करते हैं और जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट आप बता रहा था ईगो इंटरप्ट करते हाउ वुड यू व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फाइटर्स टू ईगो कम करने के लिए ईगो कम करने के लिए आप अलग अलग जिम में जाओ आप चोकआउट हो जाओ आप रेसलर के साथ जाओ वो जब आपको नीचे गिराएंगे बैक टू बैक तब आपको रियलाइज होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ जहाँ आप जीत रहे हो आपको पता चला अगले दिन आप जाओ आपको रियलाइज होगा कि भाई अभी इस गेम के लेवल्स हैं और हम कहीं भी नहीं है अभी इस गेम के बहुत बड़े लेवल्स हैं मैं बैंकटाउन में था मेरे एक 16 साल के बच्चे के साथ लड़ाई हुई फाइट हुई एंड किक बॉक्सर था ही चॉप माय लेग्स तो देन मुझे खटका यार मैंने कहा साला मैं कुछ भी नहीं हूँ यार क्योंकि मैं एक फ़ाइट जीत के आया मैंने कहा जो भी मेरी विनिंग थी सब पैडेड थी मुझे ऐसा लगा कि यार क्या था वो लाइक मैं जो इम्पोर्टेंट फॉर फाइटर्स मेंटालिटी लाइक एंड यही है कि मतलब ये बहुत मुझे खटकता है एंड देन अभी मैं फिर मैं यही बोलता हूँ यार मुझे कौन सिखाएगा एंड नाउ अब मेरे पास लोग हैं तो अब यहाँ मैं 10-10 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि मैं मुझे रियलाइज़ है कि लेवल इस गेम का मुझे वो लेवल पार करना है और दिक्कत ये मेरे पे कम टाइम है तो कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है इसलिए मुझे ज़्यादा आवर्स पुट ऑन करने पड़ेंगे यहाँ पर सर नाउ यू हैव डेडिकेटेड योर एंटायर लाइफ टू एमएमए नाउ इज़ लाइक नाउ एक और चीज़ था कि जैसे बिजनेस एंड द पर्सनल लाइफ इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सॉरी द प्रोफेशनल लाइफ क्योंकि बिजनेस लाइक बिजनेस क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि यू आर लेजिट क्योंकि अभी मैंने इसलिए मैंने इंटरव्यू के लिए मना मैं अभी टू बी ऑनेस्ट लाइक अभी हम किसी के साथ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जस्ट फोकस क्योंकि मैंने कहा यार नहीं यार उनके साथ करना है क्योंकि दे आर लेजिट दे अंडरस्टैंड लाइक कि होता क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वी लव द गेम उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में क्योंकि मोस्टली फाइटर्स नहीं समझते हैं ये चीज़ें कि कितना बड़ा रोल होता है कि ईगो नहीं होना और मैच्योर होना एंड देन ये You've seen a lot of young fighters come up. How have you, like, mentally got them ready for up? Like, bro, sir, bol rahe, ego kam karne. How do you get them mentally ready to face that kind of? जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन levels हैं तो level 3, level 2, level 1. Then level 1 आते-आते उनको 4-5 साल हो जाते हैं. एक level 1 अगर कोई आ रहा है बंदा तो वो हर दिन यहाँ पर training कर रहा है. तो that thing is one already settled. हाँ. Disciplined. That guy is disciplined. अब दिक्कत यह है कि लेवल वन में आने के बाद आप फाइट जीतते रहो उसके बाद आपके अंदर ईगो आता कि नहीं आता ये सबसे बड़ा इश्यू होता है तो कई बार मुझे बोलना पड़ता है ब्रदर वेट जस्ट होल्ड यू नो जस्ट अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए कई बार लोग समझते हैं कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं तो इवन लेवल वन में आने के बाद प्रोफेशनल फाइटर के बनने के बाद भी लड़के ईगो के कारण मुझे उनको यहाँ से भेजना पड़ता है मैंने कहा हम ऐसे करके लीगेसी ही बना सकते क्योंकि इट्स अ टीम वर्क क्योंकि अभी आप सीख रहे हो अभी मैं सिखा रहा हूँ आपका एटीट्यूड अच्छा अच्छा नहीं है सीखने के टाइम पे तो आप नहीं कर सकते फिर देन ऐसे लोग हम साइड कर देते हैं नहीं कर सकते यू नो कैन नॉट फंक्शन विद देम एग्जैक्टली देन कई लोग समझ जाते हैं देन लेकिन ऐसा भी तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नेचर होता है किसी का जो आपका अगर ईगोस्टिक नेचर है तो वो आपका चेंज नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है चेंज करने अगर किसी का हम्बल नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता कि इज अ हम्बल चाहे उसको कितने भी लोग फक्ड अप कर देंगे वो हम्बल ही रहेगा क्योंकि दैट इज मे बी ही विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ लाइक अपना ऑरा रखेगा एट दैट्स द थिंग विद मी लाइक अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ तो मैं मेरे मन में होता है कि मैं करूँ लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि पहले उन्हें डिजर्व करना पड़ेगा एंड देन पहले लेवल वन में आना पड़ेगा एंड देन वी कैन इन्वेस्ट द कोचेस ऑन देम गिव देम द राइट काइंड ऑफ टाइम एंड अटेंशन दैट दे डिजर्व राइट सो आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क सो लाइक यू टॉक्ड अबाउट लाइक सो आर देयर एनी फाइटर्स इन योर जिम दैट यू थिंक आर एबल टू गेट टू दैट नेक्स्ट लेवल And that you built from scratch. From scratch, Yeah, from scratch. We have a lot of fighters like Digambar and Riya. He's been very impressive. Riya is a girl. And then Aminder Ogya. And then Manoj. And then Aryan.
बहुत सारे लड़के ऐसे जितने भी लेवल में they're gonna be like superstar. They're disciplined, they have the focus. अगर I mean again मैं इस बात पर अगर वो लड़की के चक्कर में ना ये मैं बार बार बोलता हूँ I mean like क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को देखा है क्योंकि जो इमोशनली बैलेंस है ना वो वहाँ फक्ड अप हो जाते हैं. देखो हर एक बंदा चाहे फाइनेंशियली कुछ भी हो झेल लेता है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है झेल लेता है लेकिन ये चक्कर ऐसा है क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट वाला होता है बहुत बंदा पागल हो जाते हैं लोग कि यार साला करूँ क्या. मैंने अपनी लाइफ में लेवल वन के फाइटर देखे हैं जो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के फाइटर बन सकते थे लेकिन क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड कहीं और चलेगी तो वो भी कहीं और चलेगी. यस इट हैपेंस अ लॉट. ये होता है बहुत होता है. आई थिंक आई मीन अगर ये देखा जाए तो वी आर इंडियंस राइट. हम बचपन से हमने कुछ कहो ना कहो कुछ कुछ होता है ऐसे ऐसी मूवीज देख के तो हमारे वो रोमांटिक में इम्प्लांट हो रहा है कि अच्छा कि भाई बंदा कि वो लड़की का बाप कहता है कि भाई ना कि मैं तू गरीब है अमीर बन गया जब तो अमीर बन गया था देख लड़की की शादी खत्म हो गया एंड देन जिंदगी भर वो दारू पी रहा है ये तो ये बहुत गलत है सच में. आई मीन लाइक मैं बहुत ज्यादा मानता हूं इन चीजों को. नो नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ देख It's something that takes away from the focus of fighting. Exactly. And focus and fighting, aapko bhi pata hai, requires 100% dedication. Even like, just say, mera jab amateur career tha, I was like watching every single day one motivational movie. Pursuit of Happiness, Rudy, Coach Carter, everything. Warriors, right, jo Tom Hardy ke. It actually makes a lot of sense. Again, it helps with visualization, yeah, exactly. right? Like motivational. Kyunki jaise hame lagta hai ki jaise hamare life mein paise nahi hai, okay. And then we जब हम इस स्टोरी के बारे में पता चलता है कि यार ये बंदे के पास तो मेरे से ही बुरे हालात थे एंड स्टिल ही ओवरकेम एंड लाइक ऑल दीस ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. हां तो ये आई थिंक एंड देन आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूं टू बी ऑनेस्ट कि लड़कियां ऐसे नहीं है. एंड देन वंस यू गेट मैच्योर गेट इन द रिलेशनशिप इन चीजों को साइड रखो. लड़ाई झगड़ा जो भी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है वो यहाँ नाउ आई मीन रिलेशनशिप. तो मैं नहीं अब मैं ये नहीं करता हूँ कि वो सारी चीजें यहाँ आए या मेरे करियर पे मुझे इफेक्ट पड़े. एक्सेप्टेड लगा yes, exactly. compartmentalized हो होता जैसे बाहर के लोग ये भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आ गया. आप कहते कि आप क्या साइकोलॉजी है आपके स्पोर्ट्स के बारे जैसे बाहर के लोग इसमें मैच्योर क्योंकि 18 साल तक तो मैच्योर हो जाते कि यार जो फक्ड अप है जो सीन है वो कर दिया उन्होंने ठीक है आप चलो लेट्स फोकस ऑन द करियर ऐसा राइट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने में. यहाँ ऐसा नहीं यहाँ 21-22 में गर्लफ्रेंड बन रही है एंड देन ग्रेजुएशन के बाद समझ में आ रहा है कि यार मुझे क्या करना है. अच्छा मुझे तो ये करना था. घर वाले बोल रहे हैं कि पहले 12 पास कर ले 12 पास के बाद अरे पहले ग्रेजुएशन कर ले. वो कह कि बचा कि मुझे क्रिकेटर बनना था ठीक है ग्रेजुएशन कर ले. अब ग्रेजुएशन कर ले थोड़ा जॉब कर ले एंड देन जॉब हो गया तो सगाई भी कर ले एंड देन जस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफ. बट हैव यू नोटिस कि यहां पे देहरादून पे आफ्टर योर विन एंड आफ्टर म्यूटेड एमएमए एंड लॉट ऑफ दीस गाइस हैव यू नोटिस्ड चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स एमएमए एंड टुवर्ड्स फाइटिंग. आई मीन इस लाइक बहुत सारा चेंज है. अब बहुत सारे फाइटर्स जो है एमएमए फाइटर बनना चाहते हैं. इवन यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं. इवन या दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं वही कह रहा था इवन यूएफसी इंडिया में भी एक बंदा था कमेंट्री वाला जो यूएफसी वालों का था. उसने मुझे यही पूछा कि कितनी अच्छी बात है कि आप पूरा घूमें मतलब आपने एक सेटल किया जो 14 साल के बच्चे आ रहे हैं उनको ये मिल रहा है. तो आई मीन ये सबसे सही राइट आप भी बोल रहे थे ये सही एज है. अगर किसी को पता है कि भाई मुझे यहाँ जाना है एंड 14 साल की उम्र में उसको पता चल रहा है जो हमें 21 साल की उम्र में पता चला दैट इज द 10 साल का गैप है राइट 10-15 साल का गैप. ही हैज टू अंडरस्टैंड द गेम. तो अभी बहुत सारे बच्चे यहां आते हैं इवन बहुत सारे लोग आते हैं बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं. आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग कल वी नोटिस दैट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ रिकॉग्नाइज यू एज अ नॉट आई वुडंट से सेलिब्रिटी बिकॉज़ दैट्स नॉट द राइट वर्ड बट एज अ फाइटर लाइक समवन हु इज Like yesterday, I saw that father who said that his kid is a fan of you. Like who knows, maybe in the future he decides to train MMA. Like you've set a standard in Dehradun in many ways for these children, right? I mean, actually, they're saying like, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जैसे किसी के अंदर potential है और वो potential waste जा रहा है. Even जैसे मैं पहाड़ी हूँ तो हमारे गांव में आप देखोगे ना कि like बंदे तैराकी कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं तो शोल्डर ब्लेड यहाँ से निकल रहे इसके. लाइक यार इसके अंदर स्विमर का टैलेंट है लेकिन इसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. जगह ही नहीं स्विम करने है. डज नो एंड जस्ट लड़कियाँ हो गया वो कट्टे उठा के लेके जा रहे हैं. क्योंकि मैंने भी लॉकडाउन के टाइम पे काम किया था तो हम रेडी उठाते थे एक जगह से तो मैं एक ही राउंड में मेरा हो गया. मैंने कहा हो गया एंड जो औरतें हो गई बच्चों को 10-10 चक्कर मार रहे थे उसके क्योंकि रास्ते वैसे हैं. एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार इनके अंदर इतना पोटेंशियल है बट इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मेरा देखो ये म्यूटेंट एमएमए का मकसद भी ये है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना है फॉर फाइटर्स फॉर पीपल
क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल है एंड इट्स अ जर्नी यार. कितना अच्छा लगता है कि जब कोई आगे बढ़ता है एंड इज लाइक अचीविंग समथिंग बिग. ऑफ कोर्स वो दिल से खुशी होती है. हाँ यार लाइक अच्छा होना सही है. You've really, I mean, from what we've seen, also like this place is important. We walked in, it's full, like wall to wall. I mean, abhi to khali, obviously, we're having an interview, but this place was full, chock a block full of people. At least what 70, 80 people tha yahan pe, and it's quite a see to see because hum log even in places like Delhi, you don't see these many people in gyms. Like, kam rehte hain. Even and those jo yahan se jo bache hain, even Dehradun ke kam hain, bahar ke zyada hain. तो वही है कि so they're coming here to learn, they're coming here and then thing is यही है कि हमें level 3 वालों को भाई तू करना चाहता है कि नहीं करना. तो अगर ये इसलिए नहीं आया कि बारिश हो रही है तू नहीं आया, you can't be a champion. Yes. You can't be an MMA fighter कि just बारिश हो रही है और तू आया नहीं आ रहे. हाँ. And वो चीजें मुझे मैं सह नहीं पाता हूँ. मुझे cannot tolerate. हाँ. कीड़ा लगता है. मैंने कहा भाई बाहर निकल तू. You can't be in this room. मैं नहीं, मुझे बिजनेस अपनी जगह है, अपने पैसे वापस रख ले, बस नहीं चाहे भाई शकल मत दिखाना अभी. And you prefer dedicated guys, yes, like exactly. Guys who I mean, put in the time. Mutant MMA is all about this. When I started first MMA, start kiya tha, and first MMA gym, it was a small room. And my first was that I wanted such a place where I could do 10 hours training. I was in Delhi, then Delhi has fitness classes, so I couldn't do training. In 1 hour of training, I knew that I wasn't going to be a big fighter. You need a lot of time. And just as today, 1 hour of our training. टेक्निक का ही सेशन था एंड जस्ट टेक्निक वन आवर एंड देन स्पारिंग देन कंडीशनिंग देन पैड वर्क देन जो रेस्ट होता है जो भी. आई वांटेड टू आस्क यू आल्सो कि यहाँ पे जिम पे आई नोटिस दैट नाउ इट्स ग्रोन सो मच. यू टॉक टू अस अ लिटिल बिट अबाउट ब्रिंगिंग इन कोचेस राइट टू हेल्प द किड्स. टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दोस गाइस यू आर आस्किंग कोचेस एंड इट्स अमेजिंग क्वेश्चन लाइक क्योंकि मैंने अभी यही रियलाइज किया कि पिछले एक साल में कि यार बाहर जाके भी नहीं होगा. क्योंकि आई मीन लोग कहते हैं कि बाहर जाओ. मैं बाहर गया एंड बाहर हमने सीखा लेकिन वैसा इंप्रूवमेंट नहीं था. एंड देन मैं दूसरे जिम में गया. फिर मोस्टली जिम इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. इट्स लाइक आजकल हर किसी को इंडियन फाइटर चाहिए क्योंकि इंडिया इज लाइक ह्यूज कंट्री बिग मार्केट. वी आर ब्रांड एक्चुअली क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि फॉरनर्स यहाँ आके ब्लॉगिंग कर रहे हैं. क्यों करें. वी आर मार्केट वी आर स्ट्रेंथ इन नंबर्स वी आर स्ट्रेंथ राइट. एंड अभी क्या कि हर जिम को इंडियन फाइटर्स चाहिए एंड दे आर डूइंग ऑल बिजनेस. एंड देन मैं ये समझ गया था कि ऐसे करके नहीं होने वाला. This is not the right way. And then मैं वापस आया. Then मैं थाईलैंड गया. And then again visa का issue है, रहने का issue है, खाना नहीं है. All these problems like exactly. कोई बात करने के लिए नहीं है. और अगर अंग्रेज लोग आपको बता भी रहे हैं तो एक defensive mindset बता रहे हैं as an Indian man he don't give a fuck like ऐसे के. तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता. And then I came back. And then यहाँ से हमने start किया कि कैसे करके मतलब आई मीन इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग जोड़ी कि मैं थाईलैंड वापस गया एंड देन मैं वहाँ से डिपोर्ट हुआ. क्योंकि मेरा वीज़ा ऑन अराइवल लगा नहीं क्योंकि मैं बार बार वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहा था. बार बार एक्शन करा तो उन्होंने मुझे दिया नहीं. एंड देन मैं वहाँ से डिपोर्ट हुआ. मैं वापस आया एंड देन वही कह रहा हूँ मैं कि रिबर्थ वाली बात वहाँ से हुई कि मे बी द हायर पावर दिस लाइक ओके ब्रो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. तुम्हारे पास सब कुछ है. अक्सर ऐसे ही होता है कि आपके पास सब कुछ होता है. हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है ये अच्छा है. एंड देन देहरादून में ही मेरे पास सब कुछ मिल गया. मुझे मैंने कॉल किए इधर उधर. मेरे पास रेस्टिंग बंदे मिले. ये बहुत अच्छे लोग हैं जितने भी आए क्योंकि ये दिल से चाहते हैं कि हाँ कि सर जीतें. एंड जब दिल से बात आती है इमोशन से एक आपको लोग मैनिफेस्ट करते हैं खुद से कि यार ये जीते तो आप जीतते हो आप समझते हो चीज़ों को. एंड देन वी हैव अ स्ट्राइकिंग गाय बॉक्सिंग गाय वरुण एंड विशु रेसलिंग कोच है. एंड देन वरुण के नीचे जैसे हिमांशु हो गया अभिषेक हो गया दे आर माई स्पारिंग पार्टनर क्योंकि वो टॉप नॉच वो ऑलरेडी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन है. देन इज़ अ नेशनल मेडलिस्ट. देन यहाँ वरुण है इज़ अ प्रोफेशनल बॉक्सर. एंड उसके नीचे जो लड़का है जसपाल ही इज़ अ लाइक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वो भी बॉक्सिंग बिल्ट एज यू टॉक्ट अबाउट लाइक यू नो इंडियन रेसलिंग एंड इंडियन बॉक्सिंग. टॉक टू मी अ लिटिल बिट अबाउट ट्राइंग टू मेल्ड द टू टुगेदर इन म्यूटेंट एमएमए. आई मीन देखो हमें जिस्सू आता है एंड वी नो द डिस्टेंस मैनेजमेंट हो गया ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. एंड देन कंडीशनिंग वी नो दिस अब सारी चीज़ें हो रही हैं. लेकिन जैसे रेसलिंग इज़ ऑल अबाउट टफनेस एंड बहुत इस नॉट जैसे अब मुझे लगता है कि हमें क्या होता है. हमें लगता है कि रेस्लर बंदा टफ तगड़ा है. इट्स जस्ट सम तगड़ा. इट्स लाइक एग्जैक्टली द माइंड एंड जो टेक्निक्स एंड वो आपको सेकंड में फुर्ती के साथ करनी है. अगर मैं जिस्सू कह रहा हूँ यू होल्ड द गाय यू पुट हिम डाउन एंड यू कंट्रोल द पोजीशन दिस टाइम यू कैन चिल ड्रिप करके पकड़ सकता है. रेसलिंग में ऐसा रेसलिंग में आपको हवा में टेक्निक लगानी पड़ेगी. आप बंदा स्कैम्बल करते करते आपको 2 मिनट है ना रेसलिंग के राउंड्स. हां सो 2 मिनट्स व्हाट कैन यू डू लाइक तो आई मीन एंड देन
वो भाई आया है उस समय डबल सिंगल प्रॉपर देन पोस्चर पोस्चर इज अ बिग थिंग देन बैलेंस बैलेंस इज अनदर बिग थिंग बट यू नो अगर यू हैव ऑलवेज हैड क्वाइट गुड रेसलिंग आई रिमेंबर इवन व्हेन आपका ड्रेडलॉक्स था यू वर स्टिल टेकिंग गाइस डाउन डबल लेग एंड लाइक यस आई मीन सच बताऊं तो मैं उस समय अच्छा रेसलर नहीं था अब जाके नाउ यू लुक बेटर उस समय मुझे खाली डबल सिंगल आता था मैं डबल सिंगल किया इवन मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपको एक अच्छा रेस्लर ही बता सकते हैं एंड रेस्लर अच्छे रेस्लर में भी अच्छे लोग आपको अच्छा बता सकते हैं तो बॉक्सिंग एंड रेसलिंग का कॉम्बिनेशन जो मैंने सोचा ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि बॉक्सिंग और रेसलिंग के बीच बहुत सी सिमिलरिटीज़ है जैसे अगर मैं ग्रीको की बात करूँ ग्रीको इज ऑल अबाउट पोस्चर की आपको पोस्चर हल्का सा डाउन रखना पड़ता है हिप थोड़ा नीचे रखने पड़ते हैं और स्पाइन आपके सीधे होनी चाहिए ताकि आप नीचे गिरा सको किसी को एंड सेम थिंग अगर आपकी बॉक्सिंग है सेम स्ट्रेट एंड लाइक आपके हिप थोड़ा हैवी क्योंकि मेरी इवन मैं अपने के लिए मेरी हाइट के हिसाब से मैं यही कहता हूँ कि मेरे लिए बॉक्सिंग रेसलिंग का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है क्योंकि उसी पोस्चर में बॉक्सिंग कर पा रहा हूँ उसी पोस्चर में मुझे शूट भी कर पा रहा हूँ उसी पोस्चर में मैं स्पॉल स्ट्रांग हो रहा है मेरे एंड मैं गिट्ठा सा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर कोई लंबा बंदा हो तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कुछ और करे क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शूट करना पर जैसे इसलिए मैं ये दो चीज़ कि आपके हिप हैवी आपके पैर हैवी है एग्जैक्टली आपके पंजे पावर है एट द सेंड में आप शूट एक्सपोजिव कर सकते हो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक लेकिन बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही है अभी एंड ये कॉम्बिनेशन और अच्छा दिस गेम इज क्लियरली वर्किंग फॉर यू बिकॉज़ इन योर लास्ट फाइट अगेंस्ट जॉन आपका स्ट्राइकिंग भी सही लग रहा था यू बेसिकली आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ब्रोक हिज ऑर्बिटल बोन विद अ पंच राइट यू कुड सी बिकॉज़ लाइक जैसे होता है इफ यू गाइस डोंट नो व्हेन यू ब्रेक एन ऑर्बिटल बोन दिस इज हाउ यू नो विद इन 30 सेकंड्स द आई स्वेल्स शट If you get hit and it's just a bruise, that's probably not a broken orbital bone. But if your eye swells shut within 30 seconds, you've probably broken a bone inside, which is what Angad did to John. I understand, of course, bura lag raha hai. Mujhe lag raha tha, aap aise keh rahe honge, orbital tod diya, aisa aisa. Mujhe lag raha, aisa hota hai kya? So orbital is basically ye hota hai na, this bone that holds the eyeball together. So when you punch it and yahan pe kahin pe bhi fracture hota hai na, within 30-40 seconds, aag band ho jata hai. So anytime you see a guy whose eyes go like this means orbital is broken. I mean, जैसे John के लिए मैं यही बोलूँगा कि यार he's a tough guy क्योंकि बाद में मुझे लगा he was not easy क्योंकि जो punch पड़े थे ना उसको मैं समझता क्योंकि right hand में मेरे बहुत power है and he took three right hands and मैं boxing में कि यार बंदा knockout नहीं हुआ यार कैसे how it is possible and वहाँ पर मैं बोलता यार Philippines guys they are like very tough. The Filipino guys are very tough. Utangi nano. But I mean, they are. Yeah, and he was a good fighter. He was a good fighter. He was undefeated, and I know, of course. देखो undefeated, देखो अब मैं सच बताऊँ तो मुझे इनका नहीं पता मुझे इतना पता है कि वो तीन right hand के बावजूद भी बंदा खड़े थे. वो ऐसा भी था कि अगर इसे first round में finish किया he can be like अच्छा कर सकता था वो आगे तो हमारा ये प्लान था कि he also tried वो डीबा के लिए ट्राई किया he tried like let's be real he didn't just like lay down and you know even जो क्रिस्टोफर से मैंने चार एल्बो मारी मिला सो गया वो उसको मौका मिला और फिर उठ गया हाँ कि यार you in fact you were nice you stopped for a little bit then you like और मार देता उसके बाद मैं कहा मुझे लगा फाइट रुक गया तो वो कह रहे थे कि कोच वो रेफरी कह रहा था कि मार मार एंड देन कॉर्नर अश्विन हुन एंड मोहित सर जो है उन्होंने बोला मार मार मैंने कहा ठीक है ओके Just keep going, keep going, keep going. And that is an impressive win, yeah? Like in one of the few road to UFC fights, you got a win, first round finish, right? And against a good, like, again, hindsight 2020, both, oh, he wasn't good enough. Hum log ko pata nahi tha until you fought. And then you showed your level and his level, right? What do you expect from the next round of road to UFC? You've got Dong Hun Choi next. Tough opponent, very good. But I do believe, honestly speaking, that you can beat him. You have the skills and you have the mindset to beat him. देखो I know that I have skills और अभी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है I'm like balanced emotionally balanced so I'm not cocky I'm humble right now I know you're training हर correctly. कुछ हो सकता है लेकिन देखो जो है मैं जब मैं रिबर्थ वाली बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि इट्स माई टाइम टू बिल्ड अ लेगेसी और चाहे मैं जीतूँ या हारूं इट डजंट मैटर अगर मैं वहाँ हार गया मुझे चांस मेरा नेक्स्ट गोल है मेरा एसी है कि भाई रशिया जाओ क्योंकि खेलो बस अभी मैं चाहता हूँ खेलना चाहता हूँ मैं इट डजंट मैटर कि मैं जीतूँ हारूँ मुझे कुछ फर्क नहीं मैं जाता हूँ जाना चाहता हूँ कम्पीट एंड परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ क्योंकि यार मैं परेशान हो गया हूँ कमेंट पढ़ के कि इंडियन गाइस लाइक उनको तो ऐसा लगता है कि यार वी कांट स्कैम्बर्स व्हाट वाज द कमेंट दैट मेड यू एंग्री कमेंट आई मीन जैसे देखो आई वॉन्ट टू बिल्ड माई लेगेसी लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन जैसे कमेंट सेक्शन डाल देता है कि यार जब कोई कि इंडियन फाइटर्स कांट फाइट ऐसा लिखता है कोई इट्स नॉट नाइस आई डोंट लाइक दैट
क्योंकि इज दिस राइट फाइटर, राइट फाइटर्स डोंट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, दिखा दिया दैट फर्स्ट फाइट यू शोड दैट, एंड नॉट जस्ट दैट यू शो दैट यू कैन फाइट बट यू कैन फिनिश फाइट्स, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस राइट, लाइक दैट मेंटालिटी ऑफ वांटिंग टू फिनिश फाइट्स, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर द यूएफसी. आई मीन यूएफसी दे नीड they need finishes. Yes. वो finishes देखते हैं कि आप finish कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. और hype होता है ना finish का, like imagine you beat the crap out of someone, you finish him, right? It's on your highlights. It'll be playing in a video package. It's good for branding. It's good for marketing. जैसे मुझे ये कुछ Mike Martin जो सर थे उन्होंने बोला था कि you have to go for finishes. You have to go for finishes. पहले मेरा ये था कि तीन round आराम से खेलेंगे, मर मर गए मैच के तो. No. Just go get it done. Yeah. And आपका cardio is something that most people don't have because you've trained in a high altitude, you've trained hard, so that's you can push the pace, right? कार्डियो का कोई दिक्कत नहीं रहेगा कभी हमारा. और मेरा एक और चीज है कि हमारा कार्डियो ऐसा बनता है, धीरे धीरे चलता रहेगा, फिर थर्ड राउंड में और ऊपर चले जाता है. और तू थकता ही नहीं ना सर, यू डोंट फील लाइक एनीथिंग इन द थर्ड राउंड, राइट? लाइक मसल फटीग एंड ऑल्सो. सो अंगद, आई वांटेड टू आस्क यू, यू गॉट टू द यूएफसी, यू गॉट इन अ बोनस फ्रॉम द थिंग. As someone who's financially smarter than most people, or so financially more frugal or more careful than most people, what did you spend that money on? I mean, put it back into the gym. मैं सोच रहा था मैं उधार में था. पहले मैंने उधार चुकता किया सबका. क्योंकि ये जो मेरा लाइफ का सट्टा था, आपको पता है, जो पिछले छः महीने से मैं इन्वेस्ट ही कर रहा था कोचेस पे, स्पारिंग, इवन स्पारिंग पार्टनर भी पेड देम, स्पारिंग पार्टनर को भी पे किया सब कुछ, जो आए मैंने भाई रुपये रख दू बस तू सीखा, तो वो तो सारा उधार देने में लग गया. एंड देन आई डू लाइक मैं स्टॉक्स, दैट्स वेरी स्मार्ट, मार्केट में इन्वेस्ट बहुत करता हूं. दैट्स एक्चुअली वेरी लाइक, आई मेड लाइक 10 लाख रुपीस इन लास्ट 80 जेल अदानी पे. दैट्स वेरी वेरी स्मार्ट. एंड अगेन फाइटर्स, प्लीज लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, राइट? इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद फाइनेंसेस, मेकिंग मनी, देयर इज ऑलवेज अ वे टू ईदर इन्वेस्ट योर टाइम और बी स्मार्ट एंड लर्न the financial markets and things, I mean, like next that. Next goal is that, like, abhi aisa tha ki pehle mujhe bahut shauk tha, main thoroughly ek jeep le li, open jeep, landy jeep, the gangster banne ka shauk tha, to deadlock ho gaya ye sari cheeze, but abhi hai ki I'm just focus on my fights, kyunki abhi sabse important ye hai ki you have a legacy, agar abhi nahi to kabhi nahi, ab nahi to kab, ab nahi to kab, Israel Adesanya aane wali baat. No, and I'll be very honest, yeah, look, it's time that India gets a few wins in the UFC. Right, main UFC pay. Get there. It's time that we show the world that Indian fighters aren't half bad. Yeah, we've been grinding. Guys like Angad have been doing this for 12 years now, almost 12 saal chal rahe, right? Almost as long as we've been in the scene. So for Indian fighters, please listen to what Angad has to say. This is a smart individual who has good advice to give you guys. And if you guys ever want to train in Dehradun, there's always Mutant MMA Academy, one of the best academies in the country. I've come here. I've seen the guys training here. These are serious kids, serious people training, and they've got an excellent coach, excellent wrestling coach, good boxing coaches. I don't have any more good things to say about the gym and about Angad. I just want to thank you so much, Angad, for joining us. Thank you so much. It's been a great conversation. Please remember, like, share, subscribe, and live MMA now. Hey guys, make sure you follow, subscribe, live MMA. It's like real content. Thank you so much, man. Thank you so much, Angad. We really appreciate your time. See you guys.